Obrigado! Olá lá! Obrigado! तो गाइज़ अभी तक हमारी पैकिंग चल रही है, 9 बजने वाले हैं बट अभी तक हमारी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई और 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी। आई डोंट नो अभी हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, अभी कैब भी बुक करना है और फिर बहुत सी चीज़ें रह गई है पैकिंग करने के लिए। फटाफट निपटा के हम लोग को निकलना पड़ेगा आधे घंटे में। ट्रैफिक भी लगता है पुणे में शाम के टाइम पे, तो वी नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू रैप अप फास्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज अभी हम लोग रेडी हो गए। फाइनली हम लोगों ने प्लान किया था 9:30 बजे तक रेडी होने का, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, 10:20 ऑलमोस्ट हो गए और 12 बजे की फ्लाइट है, तो देखते हैं अभी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हम लोग बहुत जल्दी आए थे, 1.5 घंटा लगे हमें सिक्योरिटी चेक इन और इन सब चीज़ों में। बट रहे हैं पास वास करने का, बट इतनी लॉन्ग वीकेंड से बहुत ज़्यादा करते हैं। सो हम लोग अभी बैंगलुरु एयरपोर्ट पे पहली फ्लाइट बन रही है और हमारी जो अगली फ्लाइट है वो थोड़ी देर में आने वाली है, 1-2 घंटे में। तो तब तक के लिए देखते हैं कहीं पर लाउंज में अगर हमको बैठने को जगह या फिर कुछ खाने पीने को मिलता है तो फिर चेक करते हैं ज़रा। तो इसी लाउंजेस वगैरह होते हैं, मेरे पास प्रायोरिटी पासेस वगैरह भी है, सो आई विल चेक। हम लोग जस्ट एयरपोर्ट से अभी बाहर आए हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने लैंड किया, बैग वैग हमने कलेक्ट किया, अभी जस्ट एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे एंड बाहर आते ही एक सुंदर सा गार्डन जैसा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी है बीच पर, बट इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हम लोग सो गए थे दोनों के दोनों फ्लाइट में, फर्स्ट फ्लाइट में हम सो नहीं पाए थे बट हमने सेकेंड फ्लाइट में हमारी जो नींद है वो थोड़ी सी कंप्लीट कर ली है। बेंगलुरु में जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, बेंगलुरु में हम लोगों ने 2 घंटा स्पेंड किया एयरपोर्ट पे, थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा खाया पिया और फिर इस टेक ऑफ होते ही दोनों से, मैं तो टेक ऑफ से पहले ही सो गया था, हसनेल टेक ऑफ के बाद सो गई थी, बट पता ही नहीं चला हम कब कोची पहुँच गए। और जो हमारी 1.5 घंटे की जो जर्नी थी वो 45 मिनट्स में कम्प्लीट हुई, पायलट ने बहुत ही 45 मिनट्स में हमें यहाँ पर लैंड करवाया एंड देन शायद 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया था हमसे टिकट के अंदर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हमारी जो कैब है वो भी आधे घंटे में आने वाली है, सो तब तक 1 घंटा एयरपोर्ट पे ही टाइम स्पेंड करना है। लेट्स सी क्या है ऑप्शंस यहां पे, अदरवाइज वी विल वेट फॉर द कैब। अभी हम कोची पहुंच गए गाड़ी में बैठे हुए और रात की फ्लाइट थी तो नींद हमारी पूरी हुई नहीं है। स्नेहल तो आते ही गाड़ी में भी सो गई है, बट आज पूरा दिन हमें घूमना है, साइट सींग्स वगैरह है, तो फिर नींद भी ज़रूरी है, बट आई थिंक अभी होटल में जाके ही नींद होगी रात में। आगे हम देख रहे हैं कोई ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह या फिर कोई भी जैसे ढाबा टाइप या कुछ भी मिलता है तो फिर हम लोग रुक कर थोड़ा पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद साइट सींग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या मिलता है फिर। तो आरएस होटल है, आरएस होटल हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक बार ट्राई करके जा चुके हैं बट पूरा फुल था, सीटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, वापस एक बार ट्राई करना है। फाइनली
फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया यहाँ पे, जगह मिल गई हमको दोबारा आने के बाद। एंड देन हमने यहाँ पे वड़ा टेस्ट किया, बस हार्ड प्लेट डोसा जो हमने जो हमें एकदम ऑथेंटिक तरीके से मिला था, एकदम बनाना लीफ हटा के। टेस्ट वॉज वेरी गुड, टेस्ट बहुत अच्छा था यहाँ का। तो अगर आप केरला आ रहे हो कुछ आ रहे तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आर्यास। रस्ते में ही पड़ता है जब आप साइट सीइंग वगैरह के लिए जाएंगे या कहीं पे भी, सो इट्स ऑन द वे ओनली। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पास में एक लेक है कोची में, सो वहाँ पे फिलहाल बोटिंग करेंगे। सो गाइस अभी हम कोची के एक मरीन बैक वाटर में आए हैं। यहाँ पे एक बोटिंग वगैरह का यू नो सम साइट सींग्स है, तो हम लोग देखते हैं। हमने पैकेज लिया है कम्प्लीटली, आपको पैकेज के बारे में बाद में बताएंगे। मोस्टली वी ऑल नो दैट केरला इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स एंड देर आर सम साइट सींग्स, सो आई माइट नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस ऑल द नेम्स करेक्टली, सो आई विल सिट विद हिम एंड वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट दिस लेक एंड दिस रिवर एंड दिस कम्प्लीट साइट सींग। सो विच वन वॉज दैट? स्मॉल आइलैंड। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड। Sorry? Name Valamdakar. Valamdakar. I cannot pronounce the name as well. 45 families. So 45 families are living in that island. People use wooden, traveling wooden country boat. Okay. So people are using wooden country boat for traveling. And 45 families are living in that island. I don't know if you can see the island there, but we might. Mangrove land protect. Okay. The root is very deep and strong. Tsunami flood protect the land. तो यहाँ पे भी हम नारियल पानी लेने के लिए रुकेंगे मरीन बैक वाटर में। आते आते आपको दो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये लोग नारियल पानी देते हैं। सो दिस इज अ फिश फार्म एक्चुअली। मरीन बैक वाटर से निकले हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने खुद बोट चलाई, काफ़ी दूर तक चलाई और बहुत इजी था चलाना। हमने मैंग्रोव ट्रीज वगैरह देखा, काफ़ी सारे फिश नेट्स देखे और फिश फार्मिंग का भी पॉइंट्स था। सो बहुत से पॉइंट्स कवर किए और एक सवा घंटा लगा पूरा कवर करने में। एंड अभी हम लोग जो है फोर्ट कोचिन की तरफ जा रहे हैं। कोची में एक फोर्ट है, उसके आसपास एक बीच भी है बट जहाँ पे हम उतर नहीं सकते मोस्टली। सो देखते हैं कैसा है फोर्ट और बताते कैसा है, कहाँ है, क्या है, कितनी दूर पे। आई थिंक 12 किलोमीटर है तो आधा 15-20 मिनट आधा घंटा लगना चाहिए, बट लेट्स सी। सो गाइस अभी हम फोर्ट कोचिन के पास है। ये जो है ये सामने आपको जो दिख रहा है ये पूरा अरेबियन सी है फोर्ट कोचिन के आसपास। सो फोर्ट कोचिन इज़ सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन वन साइड और दूसरे साइड से उसका एक बैक वाटर से सराउंडेड है, तो ये पूरा उसका एरिया है।
दिस इज कॉल्ड चाइनीज फिशिंग नेट एंड वो बहुत बड़ा होता है. इसको पुल करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं. इट्स वेरी वेरी बिग एंड देख सकते हैं आप वहाँ पे पूरे पत्थर वगैरह लटके हुए. सो कैन यू टेल द टेक्निक? दिस कॉल्ड चाइनीज फिशिंग नेट. द 700 इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी. इसे लकड़ी पूरा की कूड़ गया है. इस पत्थर से काउंटर वेग. दिस वन से कैंडी लीवर सिस्टम. So put into the water 2-3 minutes, one day 250 times, pulling sometimes 300. The six people, the labor, owner, other man. They collect the money, 30% money, owner, 70% divided, six people. Okay, pull. Oh, Rijale! Oh, Lala! Oh, Rijale! One day, Garele! Unga, Varame! Uda, Garele! Kandana, Devi! Devi, Kinne! Ado, Vado! Hey, Jala! ஓ பிடிஜாலே ஒன்னே கடலே உங்காவனமே ஊட்டக்கருவே சந்தன தேவே தேவிக்கின்னே ஜாலா ஆகே ஜெகோ அவரி மெஹனத் கா ஃபல் தேக் கே ஆதா ஹூ மே பஹுத் ஹி புல் கியா மேனே ஸ்னேஹல் தோனோ நே மில்கே குச் பக்கடா ஹே கி நீ லெட்ஸ் சீ. This is the St. Francis Church in Fort Kochi and यहाँ पे वास्को डी गामा को बरी किया था and उनका मेमोरियल है ये. If you want you can go and visit inside the church but हम लोग अभी नहीं जा रहे. कोची में तुझे फोर्ट कोची में तुझे क्या अच्छा लगा? मुझे मरीन ड्राइव और फिशिंग नेट. और मुझे लगता है ना यहाँ पे शॉप्स वगैरह अच्छी है घूमने के लिए. फिशिंग नेट्स अच्छा है और वो मरीन इट्स अ वेरी एट रीजनेबल रेट एंड द वैरायटी इज गुड अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच वी गेट इन पुणे एंड अदर प्लेसेस बट देयर आर सम यूनिक थिंग्स आल्सो इफ यू वांट टू बाय. एंड ऑल्सो प्लीज़ बारगेन जो भी रेट बोलते हैं उसमें ही मत खरीद लेना. बारगेनिंग होती है यहाँ पे. हम लोगों ने 350 की चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास ली है. तो बारगेन तगड़ा करो. बारगेन करोगे तो सब मिलेगा. सो कोचिन का जो हमारा आइटनरी था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी आए थे. 6:37 o'clock हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी. उसके बाद से हम लोग घूम ही रहे सेम कपड़ों में. हम लोग होटल में भी नहीं गए अभी तक बिकॉज होटल का चेक इन ही 12 बजे का था. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम हमने जो आइटनरी में था ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है. ये कोचिन फोर्ट पे खड़े हैं हम. यहीं पे सब चीज़ें हैं. डच सेमेट्री वगैरह ये सब चीज़ें हैं. फिशिंग नेट्स थे यहाँ पे. ऑल ऑल सराउंडेड बाय अरेबियन सी. हमने वो सब चीज़ें भी कवर कर ली है. अभी आई थिंक जो बचा होगा वो एक अलग चर्च है. हाय हाउ आर यू? सो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमने देख ली है. अभी हम होटल जाने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज बहुत गर्मी भी हो रही है और हम फ्रेश भी नहीं हुए अभी तक. सो होटल जाके चेक इन करेंगे.